ये लोकेशन जब हमने यहाँ पर कुछ देखा था कि जो बिल्डर ने यहाँ पर कमिटमेंट किए थे ऑलरेडी, जो ये टाउनशिप डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने एक हाईटेक स्मार्ट सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था 2020 में जब मैं आया था। और उसके बाद से डेवलपमेंट के मामले में तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्चेस हो चुके हैं, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो आज भी मतलब वही लैक हो रहा है। साथियों, हमने आपको महाड़ुंगी पार्ट वन के वीडियो में यहाँ की रोड कनेक्टिविटी हिस्ट्री और मौजूदा समय में चल रहे 5 सेक्टर्स के डेवलपमेंट को दिखाया। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे यहाँ के बाकी डेवलपमेंट्स के बारे में। आइए आपको सबसे पहले पार्ट वन में दिखाए गए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दिखा देते हैं। इस वीडियो को आप आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन के वीडियो को देखकर इसे देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। बाकी यदि आपने इसे देख लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, सेक्टर R6 के बारे में जान लेते हैं। इस सेक्टर के अंतर्गत गोदरेज ग्रीन विस्टाज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि टोटल 4.73 एकर्स में फैला हुआ है। इसे सिंगल फेज में डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 टावर्स रहने वाले हैं, जिसमें एक टावर MLCP यानी कि मल्टी लेवल कार पार्किंग का रहने वाला है। हाइट ऑफ टावर की बात करें साथियों, तो टावर 1, 2 एंड 3 ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी रहने वाला है, और वहीं टावर 4 ग्राउंड प्लस 27 स्टोरी रहने वाला है। बात करें MLCP की यानी कि मल्टी लेवल कार पार्किंग की, तो लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1, 2, 3 BHK और शॉप्स ऑफर किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेनमेंट्स की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 762 यूनिट्स रहने वाले हैं। टेनमेंट्स यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में कितने यूनिट रहेंगे उसे टेनमेंट्स कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स की बात करें साथियों, तो इसके अंतर्गत 3810 रेजिडेंट्स रहेंगे। वहीं कंजेशन की बात करें तो 805 रेजिडेंट्स पर एकर रहने वाले हैं। टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे की बात करें साथियों, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 5,41,000 लीटर वाटर यूज होने वाला है। यानी कि अगर इसे आप नंबर ऑफ टैंकर्स में समझने की कोशिश करें तो ये 54 टैंकर्स पर डे लगने वाले हैं, जिसमें हर टैंकर की कैपेसिटी 10,000 लीटर की रहने वाली है। यदि कोई और वाटर सोर्स को यूज किया जाता है, जैसे कि रिवर वाटर या फिर बोरवेल को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टैंकर्स की संख्या कम हो सकती है। गोदरेज ग्रीन विस्टाज के लॉन्च डेट की बात करें तो इसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। वहीं प्रपोज डेट ऑफ पोजीशन की बात करें तो जून 2025 में इसका पोजीशन रहने वाला है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सेक्टर R7 के बारे में। यह पूरा सेक्टर 9.54 एकर्स में फैला हुआ है। इस सेक्टर के अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक गोदरेज ग्रीन कोप और दूसरा गोदरेज हिल रिट्रीट का। गोदरेज ग्रीन कोव की बात करें साथियों, तो इस प्रोजेक्ट का साइज 4.33 एकर्स है। इसके अंतर्गत 4 टावर्स हैं प्लस एक MLCP भी है, यानी कि मल्टी लेवल कार पार्किंग। हाइट ऑफ टावर की बात करें साथियों, तो चारों टावर्स ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी रहने वाले हैं। वहीं अगर आप MLCP की बात करें यानी कि मल्टी लेवल कार पार्किंग की, तो लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का रहने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1, 2, 3 BHK और शॉप्स को ऑफर किया गया है। वहीं MLCP के अंतर्गत भी शॉप्स दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेनमेंट्स की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में 738 टेनमेंट्स रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स को समझे तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 3690 रेजिडेंट्स रहने वाले हैं। बात करें साथियों कंजेशन की, तो 852 रेजिडेंट्स पर एकर रहने वाले हैं। वहीं टोटल वाटर रिक्वायर्ड की बात करें पर डे की, तो 5 लाख लीटर यूज होने वाला है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टैंकर्स को समझे तो पूरे प्रोजेक्ट में पर डे 50 टैंकर्स लगने वाले हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अगर कोई और सोर्स ऑफ वाटर रखा जाता है, रिवर या फिर बोरवेल, तो नंबर ऑफ टैंकर्स की संख्या कम हो सकती है। बात करें साथियों इस प्रोजेक्ट के लॉन्च डेट की, तो इसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया। प्रपोज डेट ऑफ पोजीशन को समझे तो मार्च 2025 इसका पोजीशन डेट रहने वाला है।
जैसा कि साथियों हमने आपको बताया, सेक्टर 7 के अंतर्गत दो प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट की जानकारी हमने आपको दे दी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गोदरेज हिल रिट्रीट, और इसे भी दो फेजेज में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज का जो टोटल एरिया है वो 4.2 एकर्स है, जिसके अंतर्गत 3 टावर को डेवलप किया जा रहा है। वहीं फेज 2 के अंतर्गत 2 टावर्स को डेवलप किया जा रहा है और इसका एरिया 1.1 एकर है। यहां पर मौजूद सारे टावर्स यानी कि 5 के 5 टावर्स जो कि दोनों फेजेज में मौजूद हैं, इनकी हाइट ग्राउंड प्लस 32 स्टोरेज की रहने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी MLCP रहने वाला है, यानी कि मल्टी लेवल कार पार्किंग। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1-2-3 BHK और शॉप्स को ऑफर किया गया है। बात करें टोटल नंबर ऑफ टेनमेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट की, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में दोनों फेज मिला के 1305 टेनमेंट्स रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स की बात करें तो 6525 रेजिडेंट इस प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं। वहीं अगर डेंसिटी की बात कर लें साथियों, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 1231 रेजिडेंट्स पर एकर की डेंसिटी रहने वाली है। बात करें वाटर कंजम्पशन की साथियों, तो डेली आपका यहां पर 88 टैंकर्स रहने वाला है। बात कर लेते हैं साथियों इसके लॉन्च और पोजीशन डेट के बारे में, तो फेज 1 को जून 21 में लॉन्च किया गया, वहीं इसका पोजीशन डेट दिसंबर 25 है एज पर महारेरा। वहीं अगर आप फेज 2 को देखें तो इसका लॉन्च डेट फरवरी 23 था और इसका पोजीशन मार्च 27 में दिया जाएगा एज पर महारेरा। साथियों सेक्टर 7 में मौजूद ये दोनों प्रोजेक्ट यानी कि गोदरेज ग्रीन कोव और गोदरेज हिल रिट्रीट एक ही लेआउट के पार्ट हैं, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट के एमिनिटीज को दोनों प्रोजेक्ट के रेजिडेंट्स यूज कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं अगले सेक्टर के बारे में, जो कि है सेक्टर 8। इस सेक्टर के अंतर्गत गोदरेज मेडोज का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यह पूरा सेक्टर 5.32 एकर्स में फैला हुआ है। इस सेक्टर के अंतर्गत 5 टावर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, प्लस एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी मौजूद है। इस पूरे प्रोजेक्ट को दो फेजेज में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 के अंतर्गत 3 टावर्स रहने वाले हैं, वहीं फेज 2 के अंतर्गत 2 टावर्स प्लस 1 कॉमर्शियल टावर रहने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1-2-3 BHK और शॉप्स मौजूद रहेंगे। बात करें टोटल टेनमेंट्स की यानी कि टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट की, तो 1356 अपार्टमेंट टेनमेंट्स यहां रहने वाले हैं। वहीं रेजिडेंट्स की बात करें साथियों, तो पूरे प्रोजेक्ट में 6780 रेजिडेंट्स रहने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके डेंसिटी के बारे में। इसमें 1274 रेजिडेंट्स पर एकर की डेंसिटी रहने वाली है। आइए साथियों इस सेक्टर के वाटर कंजम्पशन के बारे में समझ लेते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में पर डे 915,300 लीटर वाटर यूज होने वाला है, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में पर डे 91 टैंकर्स यूज होने वाले हैं। अगर वाटर सोर्स कुछ अलग रहता है, जैसे हमने आपको बताया बोरवेल वाटर या फिर रिवर से पानी लिया जाता है, तो ये नंबर ऑफ टैंकर्स कम भी हो सकते हैं। बात करें साथियों फेज 1 और फेज 2 के लॉन्च डेट और इसके महारेरा पोजीशन डेट की, तो फेज 1 को नवंबर 21 में लॉन्च किया गया और दिसंबर 25 इसका महारेरा पोजीशन डेट रहने वाला है, जो कि फेज 2 के साथ भी सेम रहेगा। बाकी साथियों अगर आप मैप पे देखें तो यहां पे तमाम जगहों पे आपको ग्रीन पैच भी दिख रहे हैं, जैसे कि CG02 CG03 यहाँ पे आपका सेंट्रल पार्क का डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि ये पूरा गार्डन का एरिया रहने वाला है। यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें इसके नीचे, तो आपको SC01 दिख रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल मौजूद है। तो साथियों मैं यहाँ आया था, जैसा आप लोगों को बताया कि महाडोगी का कवरेज हमारा चालू है, और यहाँ पे कवरेज के दौरान मुझे मिले भूपेंद्र जी, जो यहीं पे ही रहते हैं, महाडोगी पे ही रहते हैं, जो आपका ये टाउनशिप है, इसमें शायद गोदरेज में आप रहते हैं। तो इनसे काफ़ी बातें हुई, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि यहाँ का जो लाइव फीडबैक है, जो लोग रह रहे हैं, तो आज कोशिश ये है कि भूपेंद्र जी से जाने की कोशिश करेंगे, आखिर इनका अपना क्या एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर करें। और आने वाले वीडियो के पार्ट में हम कोशिश करेंगे, और हमने भूपेंद्र जी से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर बाकी लोग भी जो अगल बगल के सोसाइटीज़ में भी रह रहे हैं, वहाँ से एक एक दो दो लोग मिलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा फीडबैक आ पाएगा कि
हर इंसान अपने अपनी सोसाइटीज के बारे में बता पाएंगे। तो आज बहरहाल भूपेन जी आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का, जिससे लोगों को थोड़ा सा ये जानकारी मिल पाए आखिर चल क्या रहा। तो सर जैसे कि ये लोकेशन जब हमने यहाँ पर कुछ देखा था कि जो बिल्डर ने यहाँ पर कमिटमेंट किए थे ऑलरेडी जो ये टाउनशिप डेवलप कर रहे थे, उन्होंने एक हाईटेक स्मार्ट सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था। जब हाईटेक स्मार्ट सिटी का इनका प्लान था तो उनमें इन लोगों ने हमें बताया गया था कि यहाँ पर एक SEZ सेंशन है, फिर उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स, और उसके बाद जो रोड से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगा वो 6-lane रोड होगा। तो अब जैसे कि 2020 में जब मैं आया था उसके बाद से डेवलपमेंट के मामले में तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्चेस हो चुके हैं, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो आज भी मतलब वही लैक हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो पूरा रोड आप देख रहे हो पूरा, ये अभी हाल फिलहाल ये अभी से इनने कुछ यहाँ पर टार रोड बनाया है, नहीं तो पहले पूरा खराब था। प्लस लाइट जो हो गए पूरे टाउनशिप के इधर तक लाइट्स अभी तक पहुंचे नहीं है। लाइट मतलब रोड लाइट, रोड लाइट तो उससे लाइट चल ही नहीं रहे थे, रोड लाइट चल नहीं रहे। बीच में कुछ उन्होंने टेस्टिंग किया था, कुछ दिन तक वो चले, उसके बाद कुछ लाइट चल रहे नहीं है। अगर आप ये सर्कल से जाओगे जी तो वहाँ पर जो राइट हैंड साइड में बोलते हैं साइड टू के जो लाइन है वहाँ पर पूरा जो भी रोड है वो पूरा खराब है। इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग जब भी कम्यूट कर रहे हैं सोसाइटी से बाहर जी, ऑलरेडी मतलब गाड़ी स्लिप होने की चांसेस ज़्यादा है, प्लस रात को पूरा वहाँ पर लेबर कैंप है, तो ऑलरेडी उनने कुछ उनको मतलब ड्रेनेज का प्रॉपर सॉल्यूशन दिया नहीं है, जिसकी वजह से पूरा जो वाटर है वो रोड में स्टक हो जाता है। लोग यूज कर रहे हैं वो करेक्ट, वो रोड में भी स्टक हो जाता है क्योंकि अभी सीजन रेन, हाँ रेनी सीजन तो वही है, और ऊपर से बीच में हमने काफ़ी उसके लिए लेटर्स भी लिखे थे तो अभी तक उसमें कुछ सॉल्यूशन हमको मिला नहीं है। रही बात ये जो ब्रिज देख रहे हो आप यहाँ पर, आप समझो कि हम IT पार्क जो भी है जो भी वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं या कोई भी यहाँ पर मॉल है वहाँ से कनेक्ट करें तो रात को 8 बजे के बाद यहाँ पे पूरा ये लोवेस्ट पॉइंट हो जाता है, पूरा ये मतलब एक बार हब टाइप हो जाता है कि लोग यहाँ पे लिटरली क्योंकि हाँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, ना पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि पूरा रोड पूरे मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है तो लोग आके बैठ रहे ड्रिंक कर रहे हैं, कपल्स आके बैठ रहे, कल के दिन में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि हमने तो मतलब वो हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब ऐसा थोड़ा मतलब रात के टाइम में थोड़ा हमको लगता है कि ये रोड मतलब सेफ नहीं है। बाकी रही बात वाटर सप्लाई का, वाटर सप्लाई में भी काफ़ी इशू है, मुझे पता नहीं कि बिल्डर इतने सारे सेंक्शनिंग ले रहे हैं नहीं मतलब आ रही आपको सप्लाई मिल नहीं नहीं हमको वाटर का सप्लाई प्रॉपर मिल नहीं रहा है। अभी भी सोसाइटी ऑलमोस्ट लाइक 50% के ऊपर टैंकर के ऊपर डिपेंड है। 50% क्यों कह रहे हैं, मतलब बाकी का क्या पे? बाकी का जैसे यहाँ पर इनने बोला है कि ये जो वाटर है यहाँ पे नदी के नदी से यहाँ से इनने जैक में लेक कुछ वो सेंशनिंग किया टाउनशिप के लिए, अच्छा वहाँ से वो सॉलिडर अपने मतलब सोसाइटी जो भी है उन लोग को सप्लाई कर रहा है। तो उसमें भी ऐसा है कि हमारे सोसाइटी तक वो ठीक से पहुँच नहीं पा रहा है पानी। तो रूपेन जी मतलब जो आपने हाईलाइट किया, एक तो रोड का इशू है करेक्ट, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है करेक्ट, तीसरा आप कह रहे हैं यहाँ पे लिकर और लवर्स पॉइंट काइंड ऑफ बन जाता है करेक्ट रात को, जिसको चलते आपको यहाँ पे इनसिक्योर फील होता होगा राइट राइट। तो तब से मतलब मुझे ऐसा कुछ ज्यादा डर से लगा या कुछ वैसा ही है सब, मुझे सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट लगा है कि ये जो पीछे वाला रोड है ये डेवलप हो चुका है अभी। अच्छा मतलब जो मान हिंजोड़ी का कनेक्ट वहाँ रहा है ये पूरा पहले मतलब टार रोड नहीं था और पूरा मतलब स्ट्रेट होने के ज्यादा चांसेस है। थैंक यू सो मच भूपेन जी, धन्यवाद। तो साथियों भूपेन जी ने जो हमें बताया यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। आने वाले पार्ट में हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने रिक्वेस्ट हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन फीडबैक रहा है यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में, वाटर इश्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम जो हुई थी वो भी इन्होंने बताया, रोड लाइट की क्या प्रॉब्लम है और खासकर इस ब्रिज पे क्या समस्या है, ये इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें बताया, शायद आपको भी मदद मिली होगी। बाकी का वीडियो आप लोग देखते चलें। साथियों इस पूरे वार्ता का अनकट वीडियो देखने के लिए आप सौदाघर को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अलग से मिलेंगी और जो वीडियो पब्लिक हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। बाकी बचे हुए सेक्टर्स की जानकारी के लिए साथियों आप पार्ट 3 को देखना ना भूलें, ये वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है इसलिए इसे हम लोग पार्ट में डेवलप कर रहे हैं। साथियों यदि कोई आपका सुझाव है तो उसे आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। लगातार आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद सौदाघर को मिल रहा है, ऐसा ही आशीर्वाद ऐसा ही प्रेम आप सौदाघर के साथ बनाए रखें और ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सौदाघर को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके बाकी लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।